गाइस, दिस इज मोहम्मद नईम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ नईम स्पीक्स। आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस मौजूदा सूरत हाल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कोरोना वायरस के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की थी और कोविड 19 को डिस्कस किया था इन डिटेल। लेकिन उस वक्त ये वायरस अपने इब्तदाई फेज़ में और सिर्फ चाइना के कुछ शहर तक महदूद था, लेकिन अब ये वायरस पूरी दुनिया में अपने पंजे मजबूती से गाड़ चुका है और पाकिस्तान भी इसकी जद में आ चुका है। आज की वीडियो में इसी तरह इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि ये वायरस कैसे ख़त्म हो सकता है, ये वबा कैसे ख़त्म हो सकती है। तकरीबन हर शख्स के जहन में ये सवाल उठता है कि ये वबा या इस जैसी तमाम वबाएँ कैसे ख़त्म हो सकती है। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये वबा जिसके थ्रू फैलती है और वो वायरस ज़िंदा नहीं है, बल्कि उसका फलने फूलने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इस वायरस वबा की बका इसी में है कि ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में मुंतकिल होता रहे और यूँ ये इंसानी जानों में बीमारी फैलाता रहेगा। इसमें सबसे अहम काबिल ज़िक्र बात यह है कि इंसानी जान में ये मुंतकिल होने के बाद सिर्फ दो ही सूरतें बचती हैं, या तो वायरस होस्ट को ख़त्म कर दे या फिर होस्ट वायरस को ख़त्म कर दे। सो इस लिहाज से इस वबा के ख़त्म होने की कुछ तीन एक सूरतें बनती हैं। नंबर एक, ये वायरस ये वबा पूरी दुनिया की कुल आबादी से हो गुजरे और जितने लोगों को हलाक कर सकता है हलाक कर दे, या फिर जो लोग वायरस को शिकस्त दे सकते हैं शिकस्त दे दें और यूँ वायरस का खात्मा हो सकता है। यकीनन यह एक बहुत ही संगीन सूरत हाल है और कोई भी नहीं चाहेगा कि यह सूरत हाल का सामना करना पड़े। लेकिन आपको पता होगा कि 1720 में ब्लैक डेथ ताउन में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। उसमें तकरीबन यूरोप की एक तिहाई से ज़ायद आबादी का हिस्सा सफ़ाए हस्ती से मिट गया था। दूसरी सूरत हाल, या वायरस के फैलाव को कम से कम किया जाए और फैलाव के दुरानियों को ज़्यादा किया जाए। इससे क्या होगा कि बीमारों को तिबी सहूलियात और वेंटिलेटर जैसी सहूलियात सब कुछ फ्राहम करने में आसानी होगी, बनिस्बत उसके कि हम एकदम से ब्रेकआउट हो वायरस का और निगरानी सूरत हाल में सामने केसेस आना शुरू हो जाएं और फिर उस सूरत हाल में मुश्किल हो जाएगा ये सारी सहूलियात फ्राहम करना। और इस सूरत हाल में हम ये कर सकते हैं कि कीमती जानों का ज़िया कम से कम किया जा सकता है दुरानियों को बढ़ाकर और मज़ीद सहूलियात फ्राहम की जा सकती है। लेकिन वबा के ख़त्म होने के सूरत भी इसी तरह जो पहली सूरत हाल में डिस्कस की वही होगी कि वायरस पूरी दुनिया से हो गुजरेगा, लेकिन इसमें यह एक फ़ायदा होगा कि तिबी सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा फ्राहम की जाएंगी और कीमती जानों का ज़िया कम होगा। नंबर 3, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आर नाट फैक्टर क्या होता है, उसमें इन डिटेल हमने बताया था कि आर नाट फैक्टर्स कैसे और कितना है। लेकिन आर नाट फैक्टर्स को अगर हम सिंपल लें तो ये एक वबा के फैलाव का पैमाना समझा जा सकता है। और हालिया तहकीक के मुताबिक इस वबा का आर नाट फैक्टर जो है वो 3 से 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारी आम सूरत हाल में बहुत तेज़ी से फैलेगी, जो कि वेरी वेरी अलार्मिंग। इस वबा के फैलाव के लिए हमें बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन और हाइजीन प्रैक्टिसेस करके ही हम इस बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि इससे आर नाट फैक्टर कम हो सकता है। अगर लेट्स सपोज हम आर नाट फैक्टर को 1 से नीचे ले आते हैं तो ये बीमारी ये वबा खुद बहुत दम तोड़ जाएगी। होस्ट ना मिलने की सूरत में ये वबा ख़त्म हो जाएगी। इस सूरत हाल में हम पूरी दुनिया को एक कीमती जानों से ज़्यादा से बचा सकते हैं और यही इस वक्त सबसे फेवरेबल प्लान ऑफ एक्शन है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, चाइना जैसे मुल्क जो कि इसका ओरिजिन था, वहाँ उन लोगों ने ये प्रैक्टिसेस करके ही शिकस्त दी इसको और पूरी दुनिया भी इस पर फोकस किए हुए है। लेकिन ये जो तीसरी सूरत हाल है इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत है और ये देखना होगा कि कीमत कौन अदा कर सकता है और कौन अदा नहीं कर सकता। अगर बात करें पाकिस्तान की सूरत हाल से तो आप लोग बाखूबी अंदाज़ा होगा आप लोगों को केसेस और अमवात का। इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से बहुत सारी खबरें सरगर्दा हैं और हम भी कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तान के बारे में मौजूदा सूरत हाल के बारे में
مختلف پہلوؤں سے ڈسکس کریں اور کرونا کی اویئرنیس کے لیے ہماری ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ کچھ انفارمیٹیو چیزیں اچھی لگی ہوں گی اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ میرا چینل نیم سپیکس ضرور سبسکرائب کریں گے اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیجیے گا, کیونکہ آنے والے دنوں میں میں روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کے سلسلے میں اویئرنیس کے لیے ویڈیوز بناؤں گا. سو ٹل دین اللہ حافظ.